नमस्कार, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पर उपस्थित हुआ हूं और जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हो चुके हैं। बहुत हो हल्ला है कि करप्शन हुआ है, धांधली हुई है, हाँ तो ये सारे मैटर तो हुए हैं, वो तो सत्यता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज हम बात करेंगे मेरिट पे। मेरिट कितनी जाएगी, कितने पे आपका सिलेक्शन होगा, कितने पे आपको चयनित होना चाहिए, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो कितनी मेरिट जाएगी, भ्रष्टाचार होने के बाद कितनी मेरिट जाएगी, तो इन सारी बातों पे हम लोग एक 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 करके जो है उस पर प्रकाश डालेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे आराध्य गुरुदेव और हमारे भ्राता श्री अनिल कुमार मिश्र जी जो मार्गदर्शन अकादमी के निदेशक हैं, वो आपसे जो है समय समय पर कई सारी चीजें शेयर करते रहते हैं। तो कुछ लोग ये पूछते हैं, आज मैं वीडियो के कमेंट्स देख रहा था, रिप्लाई मैंने ही किया है, आज मैंने वीडियो के कमेंट्स देखे तो कुछ लोग मतलब उनकी जो भाषावली होती है वो समझ में आ जाती है कि किस तरीके के संस्कार है उनके, है ना। और ये सारी चीजें तो मतलब हम ये जानते हैं, हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हमने अकादमी खोल रखी है, हमारे यहाँ हजारों विद्यार्थी आते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कक्षाएं देते हैं, जब सारी चीजें होती हैं, हमारे यहाँ एक्सपर्ट बैठते हैं, टीचर उनको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, और हम जो है हजारों हजार की संख्या में लोगों से हम जुड़े हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं कि कितना कौन कितने पानी में, कौन कितना करके आ सकता है, किसी की कितनी मेरिट जाएगी। और जो हमारे सूत्र है, जो जिन संसाधनों से हम लोग इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं, जिन संसाधनों से इन्फॉर्मेशन जुटाने के बाद आपको जानकारी देते हैं, वो हमारे विश्वस्त सूत्र है। वैसे ही विश्वस्त सूत्र है जैसे कि आप किसी अपने मित्र पर भरोसा करते हो, जैसे ही आप अपने भाई पर, पिता पर या अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करते हो, वैसे ही हम अपने सूत्रों पर भरोसा करते हैं, और उनकी दी हुई सूचनाएं कभी गलत नहीं होती। वो अंदर खाने की जानकारियां होती हैं, गाहे बगाहे मान लीजिए 10 दिन 15 दिन महीना दो महीना, लेकिन आती जरूर है सामने। जब अनिल सर ने कहना शुरू किया था कि 27,000 की वैकेंसी आएगी, सब बहुत हो गया, अरे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो जो चीजें हैं कि मतलब जब पेपर में छप गया भाई 27,000 की वैकेंसी आने जा रही है, तो लोगों को लगा कि यार मार्गदर्शन अकादमी सही न्यूज देता है। आज भी हम आपसे यही कह रहे हैं, 27,000 की वैकेंसी आ रही है, आएगी 100% आएगी। उसके पहले आपको जीआईसी लेक्चरर का, जीआईसी एलटी का जो मतलब एलटी के पद 10,500 के विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे इसी अक्टूबर महीने में 10,500 की एलटी आपको देखने को मिल जाएगी। और बता दें 74,000 जो है प्राइमरी की शिक्षक भर्ती आने जा रही है आपकी दिसंबर महीने में 19 दिसंबर को आपको टेट होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है 19 दिसंबर या 19 नवंबर, इन दोनों तारीखों के बीच में जो चुंबुगाहट चल रही है, जो पीएनपी सचिव ने कहा है उसके अनुसार अगर टेट मान लीजिए 19 नवंबर को हो गया तो आपका दिसंबर में 74,000 की वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट चुनावी मोड में है। इसमें गवर्नमेंट जो है 1 जनवरी 2 जनवरी से चुनाव के सारे कार्यक्रम आ जाएंगे, तो बहुत ताबड़तोड़ आपकी परीक्षाएं होंगी, आपके पास समय कम होगा। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है, 14 विषय थे, 14 विषयों को तैयार करने के लिए केवल 25 दिन का टाइम दिया था, है ना। तो उसमें क्या है कि आप मतलब जो है 103-104 करके बाहर हो गए। हम यही कहते हैं जो वैकेंसियां आएंगी वो ताबड़तोड़ पूरी की जाएंगी, आपके पास तैयारी करने का वक्त नहीं होगा, आपके पास ये दो चार महीने जो टाइम बच रहा है इसमें आप नोट्स लीजिए, मार्गदर्शन अकादमी नोट्स खरीद करके उससे तैयारी कीजिए। अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट ने, सारे कोचिंग संस्थान जितने भी थे सब के सब थक गए, हार गए, आपकी बार परीक्षा का पैटर्न चयन बोर्ड ने क्या बदला, सारे के सारे धराशायी हो गए, सब ने खूब रट्टू तोता बनाया, भैया क्वेश्चन रट लो आंसर रट लो, क्वेश्चन रट लो आंसर रट लो, कुछ नहीं हुआ, सारे पैटर्न चेंज हो गए, सब धड़ाम हो गए। मार्गदर्शन अकादमी ही एक ऐसा संस्थान था जिसने की अपने पैटर्न में, अपने नोट्स में इतने सारे प्रश्नों को समाहित किया, और उससे काफी सारे प्रश्न आए भी हैं, ये भी है। तो ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि आज हम प्रवक्ता के 3 विषयों और टीजीटी के 3 विषयों की
संभावित कटाप पे चर्चा करेंगे। वो मेरिट क्यों उतनी जाएगी, ठीक है, किस वजह से जाएगी, पूरा व्याख्यात्मक आपको रूप उसका समझाएंगे। तो हम पहले प्रवक्ता की बात करते हैं, प्रवक्ता संस्कृत, प्रवक्ता संस्कृत। प्रवक्ता संस्कृत का जो पेपर था, पेपर थोड़ा सा मतलब टफ था, कठिन था, उसको आप आसान नहीं कर सकते। जैसा कि पेपर हमेशा बनता रहा है प्रवक्ता का, अगर वैसा पेपर बनता तब मेरिट जाती 118-119। लेकिन प्रवक्ता का जो मेरिट इस बार पैटर्न बदला गया और प्रश्न पूछने का तरीका बदला गया, आपका माध्यम बदला गया, हिंदी से संस्कृत टू संस्कृत आ गया, उसमें जो है इस बार काफी जो मठाधीश हैं जो बोल रहे थे कि 118-122-124 करके आए हैं, वो भी इस बार 110 के नीचे हो गया, जो रियलिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जनरल की जो मेरिट होगी, जनरल क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें इंटरव्यू है, ठीक है, तो इंटरव्यू होने के नाते 96 पे मान लीजिएगा कोई 96 है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, जनरल की इतने पे तालीम हो जाएगी, जनरल इतने पे इंटरव्यू देगा, और 96 से 103, ठीक है, अगर इतना है तो वो इंटरव्यू में अच्छा नंबर पा करके फाइनल कर देगा अपना, ठीक है ना। ओबीसी, ओबीसी की बात करें, ओबीसी जो है इसमें से दो प्रश्न माइनस कर ले, 94 को उसकी कालिंग हो जाएगी और 101 अगर उसका होगा तो वो फाइनल कर जाएगा। एससी इसमें पांच प्रश्न कम कर ले, 91 अगर उनकी है तो कालिंग हो जाएंगे, और अगर वो 95 है उनका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। एसटी की बात कर ले तो एसटी इसमें सात प्रश्न कम कर ले, अगर वो 85 है तो उनकी कॉलिंग हो जाएगी, और अगर वो 90 है तो उनका फाइनल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पीएच की जो मेरिट जाने वाली है, पीएच की जो मेरिट जाने वाली है वो अगर 82 है तो उनकी कालिंग होगी और 86 पे उनका फाइनल हो जाना है, ठीक है। और ओएच की बात करें तो कमोबेश यही स्थिति रहने वाली है उनकी भी। फ्रीडम फाइटर जो है अगर वो 75 है उनकी कालिंग होनी है, अगर वो 77 भी है तो उनका फाइनल हो जाना है, ठीक है। एक्स सर्विस मैन की बात करें, एक्स सर्विस मैन जो है अगर वो 70 क्वेश्चन भी है तो उनका कालिंग होना है, अगर 71 भी है उनका फाइनल हो जाना है, ठीक है। कमोबेश यही स्थिति बालिका वर्ग में भी रहने वाली है, बालिका वर्ग की जो मेरिट है वो आप एक दो प्रश्न आगे पीछे कर लीजिए। अब सबसे बड़ा मुद्दा फंसता है जो है आपका कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट क्या रहने वाली है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में इस बार काफी लोग आवेदन नहीं कर पाए तो इस बार ईडब्ल्यूएस की मेरिट कम जाएगी। कमोबेश ओबीसी से हो सकता है एक दो प्रश्न नीचे ही रहे या हो सकता है ओबीसी के बराबर ही रहे, क्योंकि इसमें ज्यादा आवेदन नहीं हुए हैं, कुछ कंफ्यूजन की वजह से, कुछ सर्टिफिकेट की वजह से ये सारे प्रोसेस रहे। अच्छा, ये तो बात हो गई आपकी संस्कृत की, अब हम बात करते हैं प्रवक्ता हिंदी जो है उसमें जनरल की जो कालिंग होगी वो अगर 95 क्वेश्चन है उनकी कालिंग हो जानी है और 104 पे उनका फाइनल हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी इसमें 93 अगर है तो काल हो जाएगा और अगर 100 क्वेश्चन है वो तो फाइनल कर जाएगा। एससी जो है अगर 92 है वो काल हो जाएगा, अगर 96 है तो वो फाइनल कर जाएगा। एसटी अगर 91 है तो काल हो जाएगा और अगर वो 93 भी है तो फाइनल कर जाएगा, ठीक है। फ्रीडम फाइटर की बात करें अगर, तो फ्रीडम फाइटर जो है वो अगर 80 प्रश्न भी हैं तो काल होंगे, अगर 82 प्रश्न भी है तो वो फाइनल कर जाएंगे। एक्स सर्विसमैन की बात कर रहे हैं तो एक्स सर्विसमैन अगर 70 प्रश्न भी है तो काल होंगे, अगर 71 प्रश्न भी है तो वो फाइनल कर जाएंगे। कमोबेश पीएच की बात कर रहे हैं तो पीएच की जो मेरिट है
अगर वो 76 भी हैं तो हिंदी में कालिंग हो जाएंगे, अगर 80 प्रश्न हैं तो वो फाइनल कर जाएंगे। ओएच की भी लगभग यही मेरिट सेम रहने वाली है। और आपको बता दूं कि आप ये जान लीजिए कि बालिका वर्ग में आप एक दो प्रश्न आगे पीछे कर लीजिए, और ईडब्ल्यूएस में भी यही कमोबेश आपकी ओबीसी की मेरिट रहने वाली है। ओबीसी की मेरिट के बराबर ही ईडब्ल्यूएस जाएगा। अब मान लीजिए कि हो सकता है एक दो प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। अब हम बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक की बात करते हैं, टीजीटी हिंदी की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरीज है, हमने देखा है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपने, और बहुत सारे लोगों का मतलब ये था कि सर टीजीटी हिंदी में कितने प्रश्न होने चाहिए, कितना हमारा होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का। तो हम आपको बता दें टीजीटी हिंदी का जो मतलब मेरिट है इस बार संस्कृत से कम रहने वाला है। संस्कृत की मेरिट अब की बार सबसे हाई जाने वाली है, ठीक है ना। हिंदी की मेरिट कम रहने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं जनरल। जनरल जो है, अगर मान लीजिए कि अगर 95 अगर जनरल है उसकी जो है सिलेक्शन हो जाना है ना, क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो है नहीं। 95 पे भी जनरल इसमें सफल हो सकता है। आपको ये मुद्दा और भी बता दें, जैसा कि आपको विदित होगा कि 1156 तदर्थ शिक्षकों ने ऑफिशियल तरीके से आवेदन कर रखा है, जिन्होंने अपने आप को बताया है कि हम तदर्थ शिक्षक हैं। ऑफिशियल तरीके से उन्होंने जो है अपने आप को तदर्थ शिक्षक बताया है। आपको एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा सीटें जो है किसमें है तदर्थों की, सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में सबसे ज्यादा सीटें हैं, लगभग 250 सीटें सामाजिक विज्ञान में आपकी तदर्थों की जाएंगी। उसके बाद नंबर आता है हिंदी का। हिंदी में लगभग 215 सीटें आपकी और ऐड होंगी तदर्थों की, जिन्होंने अपने आप को तदर्थ बता करके एग्जाम दिया है ना। और उसके बाद नंबर आता है अंग्रेजी में भी लगभग 175 सीटें ऐड होंगी। 175 सीटें अंग्रेजी में ऐड होंगी, क्यों? क्योंकि वो तदर्थों के पद हैं, वो आपको ही मिलेंगे। तदर्थ शिक्षक लगभग 10-12 मेरे परिचित हैं, और उनका मैंने खुद ही बुकलेट देखा है, वो सब गुड़ गोबर करके आए हैं। आप उनसे टेंशन मत लीजिए, अगर उनका जुगाड़ नहीं लगा खत्म हो गया, उनका कोई मतलब नहीं, वो सारी सीटें आपको ही मिलने जा रही है। अब हम मोटा मोटा जो है मतलब बातें कर लेते हैं। जनरल अगर हिंदी में 95 क्वेश्चन है तो उसकी संभावना है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। 95 से 100 के बीच में जो है वो अपने पद एक सीट के लिए वो उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है ओबीसी का। ओबीसी अगर 94 या 93 है तो वो उम्मीद कर सकता है कि उसका सिलेक्शन हिंदी में हो सकता है। और उसके बाद नंबर आता है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस की कमोबेश मेरिट एक दो क्वेश्चन ओबीसी से आगे पीछे या ओबीसी के बराबर रह सकती है। बात करते हैं एससी की। एससी की जो मेरिट हिंदी में जाएगी वो अगर 93 या 92 भी है तो भी वो उम्मीद कर सकते हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। एसटी की बात करें तो एसटी अगर 90 क्वेश्चन भी है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर की बात करें, फ्रीडम फाइटर अगर 85 प्लस भी हैं या 80 क्वेश्चन भी हैं तो भी उनका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन की बात करें, अगर वो 70 क्वेश्चन भी है तो भी उनका सर्विस श्योर है। अब बात कर लेते हैं पीएच अगर 78 क्वेश्चन है या 80 प्लस क्वेश्चन है तो वो एक सीट की उम्मीद कर सकते हैं। अब बात कर लिया जाता है टीजीटी संस्कृत की। संस्कृत में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग मतलब हैं कि जिन्होंने मतलब 120-122 कर डाला है। 120-122 जिन्होंने किया है भैया, हम आपको बता दें हम भी संस्कृत जो है आस नहीं, कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं भाई। संस्कृत मुझे पढ़ते पढ़ते जो है कक्षा 6 से पढ़ा और एमए कर डाला, बीएड कर डाला संस्कृत विषय में, है ना। तो संस्कृत विषय में 120-122 जो है मतलब किसी ने नहीं किया, अगर किसी ने किया भी है तो उंगलियों पे है वो, है ना। और वो ऐसा नहीं कि दो चार छह महीने की तैयारी करने वाला 120 करके आया है, वो 5-6 साल से पढ़ने वालों ने किया है, ठीक है ना। उनकी संख्या उंगलियों पे है, 2-4, 10-20-30 मान लीजिए, है ना। अब बात करते हैं कि संस्कृत की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो भाई सच
सच तो यही है, कड़वा जरूर लगेगा कि मतलब सर ने इतनी हाई मेरिट कैसे बता दी। आपको वास्तविकता मैं बता देता हूँ कि अगर 105 से 110 के बीच में जनरल है तो वो उम्मीद कर सकता है। कितना? 105 से 110 के बीच में अगर जनरल है तो वो एक सीट की उम्मीद कर सकता है। लेकिन अगर 110 प्लस है, 110 प्लस है, तो वो अपनी नौकरी एकदम श्योर समझ ले, मिठाई उठाई बांट दे, मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं उसको, है ना। 110 प्लस अगर जनरल है तो बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी भी कमोबेश यही रहने वाला है। पहली बार हो सकता है कि जनरल ओबीसी की मेरिट इक्वल जाए, या एक दो प्रश्न आगे पीछे समझ लो, है ना। 103 प्रश्न ओबीसी मान लो, 103 से 107 के बीच में अगर ओबीसी है तो वो उम्मीद कर सकता है कि हमको एक सीट संस्कृत में मिल जाएगी। और मान लीजिए कि 110 प्लस वो भी है तो वो उम्मीद नहीं, 100% श्योर मान ले कि उसकी नौकरी कंफर्म है। अब बात करते हैं एससी की। एससी अगर 100 प्लस है तो वो अपनी नौकरी को उम्मीद कर सकता है। लेकिन 104 प्लस है तो वो 100% अपने आप को सिलेक्ट मान के चले, ठीक है। एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी अगर 98 क्वेश्चन है तो वो उम्मीद कर सकता है, लेकिन 100 प्लस है तो वो नौकरी कंफर्म अपनी मान के चले। बालिका वर्ग में भी जनरल की जो मेरिट है वो एक दो प्रश्न आगे पीछे रहेगी, मतलब पीछे रहेगी। जनरल की जो मेरिट हमने बताई उससे आप एक आध दो प्रश्न पीछे कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है, ईडब्ल्यूएस की मेरिट कमोबेश आपकी यही जाने वाली है। जो ओबीसी की मेरिट है सेम उसी के बराबर जाएगी या उससे एक दो प्रश्न नीचे रहेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस पहली बार आया है, थोड़ा सा इसका पैटर्न समझना पड़ा है कि हाँ कैसे। लेकिन आपको यह जानकर के बहुत खुशी होगी कि संस्कृत विषय में ईडब्ल्यूएस के केवल और केवल 441 फॉर्म आए, 441 ये फॉर्म आपके संस्कृत विषय में पड़े हुए हैं। 58 सीटें हैं, 58 सीटों में अगर वो होंगे उनका सिलेक्शन होगा। उतनी हाई मेरिट नहीं जानी है, मेरिट कम आनी है। संस्कृत जो संस्कृत लेवल था इस बार थोड़ा पेपर टफ बना था, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरिट में उतार चढ़ाव होना ही होना है। और ये चीजें तय करने के बाद, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये वजह ये है कि हमने जो चीजें आपको बताई है ये चीजें लगभग 8000 बच्चों के आंकड़े जुटाने के बाद बताई है, जो कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब के माध्यमों से हमने कलेक्ट किया है। और बहुत सारे ग्रुपों में बहुत सारे लोगों से हमारा स्वयं का परिचय है, जो कि लॉबी है, हम लोग जिसमें डिस्कशन करते हैं सारी चीजें हैं। जो पीएचडी होल्डर वगैरह भी हैं उनसे भी हम लोगों का जान पहचान है, जो जेट नेयर जो है नेट जेआरएफ वगैरह है उनसे भी जान पहचान है, बातचीत होती है, यार दोस्त हैं, मित्र हैं, तो उनके माध्यम से भी जानकारी मिली है कि इस बार का पैटर्न, इस बार का परीक्षा प्रश्न बनाने का तरीका, पूछने का माध्यम सब अलग था, इस वजह से मेरिट थोड़ा ऊपर नीचे होगी। तो आपको ये जान करके खुशी होगी संस्कृत में 56 पद और ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि वो तदर्थों के पद उसमें ऐड होंगे, जिसमें आपको रियायत मिल सकती है, मेरिट थोड़ी सी और डाउन हो सकती है ना। ये सारी चीजें होंगी। अब हम आज, चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से आपको हमने प्रवक्ता में दो विषयों का, संस्कृत और हिंदी का मेरिट बताया, और टीजीटी में भी आपकी हिंदी और संस्कृत की मेरिट बताई। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और ज्यादा आपको, आप इस कमेंट के द्वारा, आपके व्यू के द्वारा, आपके सब्सक्रिप्शन के द्वारा हम थोड़ा सा मोटिवेट हों और आपको और अधिक जानकारियां दे सकें। जाते जाते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप वास्तव में जो गलतियां इस 15000 की वैकेंसी में करके आए हो वो गलतियां फिर नहीं दोहराना चाहते हो, अगर आप वास्तव में सिलेक्ट होना चाहते हो और एक सीट अपनी कंफर्म करना चाहते हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो कांस्टेबल जीडी की हो, चाहे वो रेलवे की हो, बैंक की हो, यूपीएसआई की हो, सुपर टेट की हो, टेट की हो, सी टेट की हो, आपकी जो है आरओआरओ की हो, पीसीएस की हो, आईएएस की हो, संघ लोक सेवा आयोग की हो, जीआईसी लेक्चरर की हो, है ना,
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो हमारे एक्सपर्ट जो है जिन्होंने नोट्स तैयार करा है, जिन्होंने बुक लिखी है, जो चीजें हैं हमारे पास उपलब्ध हैं, आपको रियायत दर पे वो उपलब्ध कराई जाएंगी। आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, बूंद बूंद से आपका घड़ा भर जाता है। तो आप जब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तो आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हमारा सब कुछ तैयार है। ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हो सकता है आप मार्गदर्शन अकादमी और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को मोटिवेट करिए, उनके दिए हुए नोट्स को प्राप्त करिए, पढ़ाई करिए मन लगा करके और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।